नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर में दो लुटेरी दुल्हनों की कहानी देखने में सामने आई है। यह दोनों युवतियां उज्जैन की रहने वाली हैं, जहां सगी बहनें बनकर दोनों ने 3 महीने पहले कपड़ा व्यवसायी के 2 भाइयों के साथ शादी की थी। शादी के 2 महीने के बाद ही घर से 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक शादी के समय बताया गया था कि सगी बहनों के माता पिता की मौत हो चुकी है। शादी करने के नाम पर 7 लाख रुपए लिए गए थे। जांच में पता चला है कि एक दुल्हन का पहले से ही एक बेटा है। उज्जैन में दोनों दुल्हनों के खिलाफ शादी के बाद धोखाधड़ी की FIR पहले से ही दर्ज है। दरअसल ग्वालियर के बलौगा थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले नागेंद्र जैन पेशे से एक कारोबारी हैं और उनका बलौगा में कपड़े का व्यवसाय है। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपने छोटे भाइयों दीपक जैन और सुमित जैन की शादी उज्जैन की नंदनी मित्तल व रिंकी मित्तल से की थी। रिश्ता दोनों लड़कियों के भाई संदीप मित्तल के सामने तय हुआ था। यह रिश्ता समाज के बाहुलाल जैन ने तय करवाया था। दोनों लड़कियों को वैश्य बनिया बताया गया था। शादी के बाद नंदनी और रिंकी करीब 15 से 20 दिन तक ससुराल रहीं, बाद में मायके चली गई थी। घटना का पता उस समय चला जब कई दिन बाद भी वह वापस नहीं आई थी। हर बार आने का वादा करने के बाद भी वापस नहीं आई थी। घर वालों को शक हुआ और कमरे की तलाशी ली गई तो पता चला कि वह दोनों बहनें घर का पूरा जेवर और 7 लाख नकद समेट ले गई हैं। जेवर की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना बलौआ की घटना है, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उज्जैन निवासी दो लड़कियों की शादी बलौआ में हुई थी। बाद में संज्ञान में आया है कि उनकी पूर्व में शादीशुदा थी और उनका यही काम है, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अफसर लगातार बैठक ले रहे हैं। बुधवार को भी संभागायुक्त ने वर्चुअल बैठक ली। इधर कलेक्टर ने इंसिडेंट कमांडरों की मोती महल में बैठक लेकर कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अफसर लगातार बैठक ले रहे हैं। बुधवार को भी संभागायुक्त ने वर्चुअल बैठक ली। इधर कलेक्टर ने असिस्टेंट कमांडरों की मोती महल में बैठक लेकर कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। संभागायुक्त ने कोविड गाइडलाइन के पालन कर फोकस किया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने बुधवार को प्रातः 10 बजे से ग्वालियर चंबल संभाग में कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधकों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, डीन मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी जिलों में पुख्ता प्रबंधन किए जाएं। शासकीय अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल का भी सहयोग लेकर अधिक से अधिक पलंगों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की बेहतर देखरेख के लिए पूर्व की भांति सभी तैयारियाँ कर ली जाएँ। ट्रेसिंग का कार्य प्रभावित रूप से हो जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों में कोविड 19 के ऐसे मरीज जो क्वारंटाइन हैं उनके संपर्क करके तथा चिकित्सकीय सलाह देने के लिए गूगल मीट के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप तैयार कर प्रतिदिन चर्चाएं की जाएं। किए हैं, जैसे पर्यावरण को भी हमने इम्पोर्टेंस देते हुए पर्यावरण की कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल नगर निगम खरीदेगा इसमें, और साथ में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी वो होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। हमारे कचरा जो कलेक्शन वाहन है, कई गलियों में हमारे छोटे वाहन जाने होते हैं, तो वहाँ भी हम लोग ई रिक्शा, जो ई बैटरी चलित वाहन है, उनका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने पर्यावरण को देखते हुए कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं। हमने स्वास्थ्य में कई चीज़ें की हैं कि जो हमारे स्लॉटर हाउसेस हैं उनको हम लोग शहर के बाहर एक मॉडर्नाइज्ड स्लॉटर हाउस खोलेंगे। कोरोना जैसी बीमारियों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि मैन और एनिमल का जो दूरी होता है उसको दूर रखा जाए, तो इससे हमें, मेरा मानना है कि स्लॉटर हाउस से बाहर रहेंगे तो उससे कई सारी जो जनित वायरस जनित बीमारियां हैं उसको हम लोग काबू पाने में संभव होंगे। साथ ही डस्ट फ्री रोड्स का परिकल्पना किया गया है, कई रोड्स को हम लोग डस्ट फ्री करेंगे। इसमें ग्रीन पैचेस बनाए जाएंगे जिससे शहर में धूल जो है वो कम होगी। हम लोग
वाटर फॉगर इन सब का भी उपयोग करेंगे, तो इसको भी बजट में शामिल किया गया है। बजट में हमने नागरिकों की सुविधाओं के लिए भी पूरा प्रयास किया है कि कई हमारे सामुदायिक केंद्रों पे हम लोग प्रयास करेंगे इस बार की शादी या अन्य गतिविधियों के लिए दिए जाएँ और उसको ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से घर बैठे कोई भी नागरिक उसको बुकिंग कर सके, उसमें इस तरह की सुविधाएँ दी गई हैं। आने इस बजट में हमने ये प्रावधान रखा है कि हमारी कई सारी सुविधाएँ नागरिकों को घर बैठे मिले, तो हमने इसका ही प्रावधान किया है। साथ ही साथ अधोसंरचना में हमने सारी चीज़ें ली हैं जो हमारे सीवर या पानी के जो डीएमएस जैसे पानी के डीएमएस हैं उनको हम लोग फंक्शनल करेंगे, जो जो थोड़े बहुत विस्तार होंगे उनको भी किया जाएगा और जल जीवन मिशन के तहत भी जो राशियां प्राप्त होंगी उसको भी हमने समावेश करते हुए उसमें राशियां रखी हैं कि हम लोग उसको भी विस्तार करेंगे। हमने इसके अलावा स्वास्थ्य के भी चीज़ें रखी हैं, हमारी स्वास्थ्य जो जो कचरा प्रबंधन व्यवस्था है रिसाइकलिंग है वो सारी और बेहतर की जाएंगी। हमारे जो बस स्टैंड्स हैं उसमें हम लोग उन्हें रखेंगे, नवीन जैसे जल कर लेकर बात चल रही थी कि उसमें जो बिल उसका रहेगा जल कर का वो बढ़ाएंगे। देखिए जल कर के संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूज़र चार्जेस थे इसमें शासन की तरफ से ही एक निर्देश आए थे तो इसको उसी क्रम में प्रशासन महोदय के अनुमोदन के बाद हमने इसको बढ़ाया है। जल कर अभी बढ़ के 300 हो जाएगा, 150 से 300 ये किया गया है इस बार। सर दूसरा ये कि जो आवारा जानवर हैं लगातार उनसे घटना हो रही है कुछ लोगों की मौत, उनको लेकर क्या प्लान है क्योंकि अभी भी देखिए जो इसके लिए कई स्तर पे प्लानिंग की जाएगी। जैसे एक तो उनका जो पकड़ने का कार्य वो चालू रहेगा, उसमें हम लोग थोड़ा बस उसको और इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ जो शहर से बाहर इनको बसाने के हिसाब से ग्वाला नगर की जो स्थापना की गई है उसको हम लोग फंक्शनल करके उसमें आमराय बना के उसको भी फंक्शनल करेंगे। अभी कुछ अच्छे रुझान आए हैं, लोगों ने इंटरेस्ट लिया है वहाँ प्लॉट लेने में, तो हम लोग उसको और बढ़ाएंगे, अपनी सुविधाएं डेवलप करेंगे और मेरा मानना है कि निश्चित ही लोग वहाँ पर आके उसको उपयोग करेंगे। तो शहर में जो डेयरी और इनकी समस्याएं हैं जिससे सीवर वगैरह लाइन भी हमारी ख़राब होती है और एक न्यूसेंस भी होता है वो भी इम्प्रूव होगा। ग्वालियर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत और 4 लोगों की आंखों की रोशनी कम होने का गंभीर मामला सामने आया है। पूरी घटना ग्वालियर के मारतपुरा क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की है। ग्वालियर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत और 4 लोगों की आंखों की रोशनी कम होने का गंभीर मामला सामने आया है। यह पूरी घटना ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की है, जहां भाईदौज के दिन एक ही मोहल्ले के 6 लोगों ने जहरीली शराब पी, जिसके बाद रात में ही हालत बिगड़ने के बाद एक बुजुर्ग विजय परिहार की तो गाँव में ही मौत हो गई, जबकि 5 को गंभीर हालत में जयरोग अस्पताल में लाया गया है, जहाँ इलाज के दौरान विजय परिहार ने दम तोड़ दिया और बाकी की स्थिति गंभीर है। जिन 4 लोगों का इलाज चल रहा है उन्होंने आंखों की रोशनी कम होने की बात बताई है। इसी पूरी घटना के बाद प्रशासन और आबकारी महकमे में हड़कंप है। जहरीली शराब से मौत के बाद अनंत फनन में जिला कलेक्टर एसपी और आबकारी के अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी तो बात करने से भी बच रहे हैं, वहीं जिले एसपी ने फिलहाल मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही मुरैने में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद आबकारी और प्रशासन ने एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कुछ दिनों बाद हालत पहले जैसे ही बन गए। नरेश सिंह है, पूर्व पप्पू कहते हैं मुझसे, क्षेत्र के अंदर सरपंच, पूर्व सरपंच से सूरों पंचायत से सूरों चंदूपुरा खेरिया, ये 3-4 गाँव है। एक लड़के की मौत हुई है, क्या कुछ कारण, क्या मामला है? दारू है साहब, दारू पी है, जहरीली शराब से मौत हुई है। हाँ, कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की तो मौत हो गई है। क्या नाम है दोनों के? एक का विजय परिहार है और दूसरा प्रदीप परिहार है। दोनों की मौत हो गई है। क्या करते थे दोनों जी? वैसे घर में खेती पानी करते हैं। और कितने लोग अभी भर्ती हैं? 4 लोग भर्ती है अभी। क्या हालत है अभी? सीरियस हालत है, एक बंटी रजक की। तो एक ही मोहल्ले के सभी? सब गाँव के, एक ही मोहल्ले के। क्या बताया जाए कि आँख की रोशनी भी गायब? हाँ, रोशनी में गया था अभी उसने, मैंने की पहचान रहा है कि मुझे समझ में की रोशनी। हाँ नहीं, 2 से मैंने बात की। हाँ, 2 किलो। एक बुजुर्ग डुकरा तेज सिंह जाटअप, वो तो कह रहा था मैंने पहचान लिया। और तीसरा कौन है? 4 लोग हैं वहाँ पर। दो के नाम और बताओ। एक तो तेज सिंह जाटअप है। हाँ। दूसरा है बंटी रजक। ठीक है। तीसरा है चंद्रपाल जाटअप। ठीक है। एक लालू माहौर। कितने उम्र के लगभग? तेज सिंह तो 60 से 50-60 की उम्र है और सब नीचे ही है, 40 से नीचे। कब पीती है शराब, कब से बढ़ती है? परसों पी। होली पर? होली पर दौज वाले दिन पिए मेरे घर। कहाँ से लाए पता पड़ा कुछ मन पर? अब ये तो उनका परिवार वो ही बता सकता है। भैया कहाँ से लाए थे? भैया कैसे स्वास्थ्य खराब हुआ तुम्हारा, कैसे तबीयत बिगड़ी? खाना बाद में कर लेंगे।
ले अंदर जाओ जाओ ले 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 लो पहले इलाज नहीं नहीं वो शराब का मामला है नहीं 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 है तो अलग है हाँ अलग है तो अलग है अच्छा मेरा चौधरी जबर सिंह पूर्व जनपद सदस्य क्या क्या घटना हुई है क्या पूरा मामला है हमारे जो लड़के हमारे बाढ़ में रहते हैं हम बाढ़ के हम नेता हैं तो हमारे बाढ़ के बाढ़ 62 है ये बाढ़ 62 पड़ता है थाना महाराजपुरा में चंदूपुरा गांव पड़ता है तो वहां पे ये लड़के गए होंगे कहीं से दारू वारू लेके आए तो इन लोगों ने होली के जश्न में दारू पी तो एक आध सुबह आके ख़त्म हो गया तो इसकी वजह से हम लोगों घबराए कि हो सकता है वो ख़त्म हो गया तो इनको भी कम रोशनी दिखाने देने लगी रोशनी आँखों की कम होने लगी तो हम लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल में लाए मुरार वालों ने इधर रेफर कर दिया तो यहाँ भर्ती हैं कल को ये प्रदीप परिहार भी ख़त्म हो गया कितने लोग भर्ती हैं अभी चार लोग भर्ती हैं चारों के नाम बताना एक का बंटी रजक एक बंटी रजक है दूसरे का तेज सिंह जाट एक का राकेश महावर चंद्रपाल एक चंद्रपाल है किन किन की मौत हुई उनके क्या नाम है एक तो प्रदीप परिहार की मौत हुई है एक विजय परिहार की हुई है जहरीली शराब थी हाँ जी शराब का ही बता रहे हैं शराब के कारण मौत हुई आपका नाम क्या भाई मेरा नाम चौधरी जबर सिंह है पूर्व जनपद हाँ भारतीय जनता पार्टी से हैं पद नहीं है कार्यकर्ता है गिरगांव के हैं ये बताइए कि शराब कहाँ से लाए थे मालूम पड़ा कुछ जी कुछ नहीं पता चला जो लाने वाले बेहोश थे लाने वाले बेहोश थे उन्होंने कुछ नहीं बताया की जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हुई है अभी जो इलाजरत हैं उनके डिक्लेरेशन हो रहे हैं उनके बयान हो रहे हैं उसके बाद कुछ बता पाना संभव होगा अभी इलाजरत आंखों की रोशनी गई है कुछ लोगों की वो आपको डॉक्टर बता सकते हैं अभी हमने जस्ट बात की है और हम जो एक व्यक्ति है उससे और बात करने जा रहे हैं तब कुछ कंफर्म बता पाएंगे ठीक है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इटावा के द्वारा रेड क्रॉस भवन में डॉक्टर के सक्सेना चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इटावा के नेतृत्व में एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार गौर और एडवोकेट एवं महामंत्री देवेंद्र सिंह पाल एडवोकेट को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ सम्मानित किया गया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इटावा के द्वारा रेड क्रॉस भवन के डॉक्टर के सक्सेना चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इटावा के नेतृत्व में एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार गौर एडवोकेट एवं महामंत्री देवेंद्र सिंह पाल एडवोकेट को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ सम्मानित किया गया ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और रोजाना आप शहर में चोरी की वारदात को देख सकते हैं लेकिन पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है आज भी चोरों ने कमला राजा अस्पताल में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में मरीजों के परिजन से 30,000 रुपए की चोरी कर ली और फरार हो गए एक बार फिर से बड़ा मामला ग्वालियर में देखा गया ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और रोजाना आप शहर में चोरी की वारदात को देख सकते हैं लेकिन पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है आज भी चोरों ने कमला राजा अस्पताल में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में मरीजों के परिजन के 30,000 रुपये चोरी कर लिए और फरार हो गए फरियादी पीड़िता अपने पति का टीवी का इलाज कराने ग्वालियर आई थी पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है अब ये नहाने के लिए गए अब ये नहा रहे थे तो इनको कोई साथ आया है बोला कि मैं कुल्ला करूँगा अब कुल्ला करने वाला आदमी कौन था हम लोग सब सफाई वाला हम लोग जो है यहाँ पे इसीलिए ज्यादा पैसा रहता है जमा करवा लेते हैं
गरीबों को निशाना बना रहे उसका बेचारा पति भरती है उसके पैसे 1 रुपया नहीं है उसके पास पति भरती बाबूलाल क्या हुआ है? चोरी हुई है सर हमारी, हम ना आ रहे 30,000 रुपये निकाल लिए गए। दो लोग आए थे, उन्होंने ब्रश किया, बोलता पानी डाल दो हमारे यहाँ हाथों में, तो हमने पानी डाला और फिर निकल गए। हमने ना के पैंट पहला, तो हमने कही कहाँ पे ना रहे, शौचालय में? शौचालय में ना आ रहे थे। कितना रुपए की चोरी हुई है? 30,000 रुपए के पैसे रखे हुए थे वो मरीज के लिए। जीजा जी की तबीयत खराब थी। क्या बीमारी है उनको? माइंड मिट्टी भी है, अस्पताल में भर्ती। कितने दिनों से बीमार वो हो गई? 15 दिनों से। झांसी में पहली भर्ती है थी, वहाँ पे ना ही कर दिया। पुलिस मौके पे आई थी? अभी नहीं आई थी, अभी आई है। क्या कह रही पुलिस? क्या कह रही पैसे दिलवाने को लेकर के? क्या कुछ किया पुलिस ने? पुलिस अभी रुपा जा रही है, कुछ बात कर रही है। क्या नाम है जी का? जितेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यूपी के। यूपी कहाँ पर? हमीरपुर में, गढ़र पड़ता है, गढ़र करवा। क्या नाम है आपका? मेरा संपत नाम भाई के बाबूलाल, पति के जितेंद्र नाम। क्या हुआ है? उसका मैन जाने टीवी, मैन टीवी हो गया। क्या हुआ है? क्या आप पैसे गए? क्या कितना पैसा गए? क्या पूरी घटना है बताओ बताओ। 30,000 बिल्कुल सफर आए थे, इसने 20 रुपये ले आ सफरेंगे लाने, ये आगे पर डारा था सुबह, इसने सफर लिए, दो आदमी गया और ऐसी पैंट आगे कहीं नहीं, हाँ सफर भाई ने किया, हम सफर लेंगे। इतना बात है करी पानी डाल देना, भाई ने ऐसे पकौने के पानी डाल रहा, इसने रुपये वहाँ कोने पर खींच लिया। पैसे निकाल लिए 30 रुपये, 30,000। किस लिए रखे थे आपके पास रुपये? रुपये भाई के पास। काहे के पैसे थे वो? काहे के लिए लाए थे? इलाज के लिए ले आए। क्या बीमारी है? टीवी मैन टीवी है, दिमाग की बोल बंद है। बोल 20 रुपये रहने वाले हो? यूपी के। यूपी कहाँ पे है? नाम बताओ जगह का। यूपी हम गड़न के रहने वाले हैं, जिंगे वहाँ पर आसन के। क्या कुछ मामला है सुलभ कॉम्प्लेक्स में? कोई व्यक्ति नहा रहे थे तो उनका 30,000 रुपये चोरी हुआ। एक्चुअली मैं क्या, अभी मैं थाने पे था, मुझे टीएम मैडम ने बताया कि कुछ जनता इकट्ठी हो रही है, जो भीड़ भाड़ और मारपीट का कुछ मैसेज मिला। जब मौके पे आया तो देखा कि दो बाहर के अटेंडर है जिसका पेशेंट यहाँ जीएच कैंपस में भर्ती है, तो उन्होंने बताया कि हमारे नहाते समय सुलभ कॉम्प्लेक्स से 30,000 रुपये निकाल लिए हैं। अभी हम संदिग्धों को मौके से ले जा रहे हैं थाने पर, पूछताछ करेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमने करीब 3 संदिग्ध पकड़े, जिसमें ये सुलभ कॉम्प्लेक्स का ठेकेदार है, और प्लस जैसे ये फरियादी ने बताया है कि मौके पर ये लड़का था, इसने पैसे निकाले, तो उनसे पूछताछ करेंगे। के पैसे रखे हुए थे ये इलाज के लिए, बाहर से आए हुए, तो इलाज के लिए स्वाभाविक सी बात है, इलाज के लिए। ये करीब कितने दिन, 4-5 दिन से महिला भर्ती आए दिन आपके सुलभ कॉम्प्लेक्स में चोरी का मामला सामने रहता है, इसमें क्या कुछ पुलिस कर पाती है? इससे पहले भी 5,000-10,000 रुपये और लोगों के निकले, जो मौके पे जनता की मदद से या आम लोगों की मदद से संदिग्धों को पकड़ लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और बाकी हमारी गाड़ी गश्त करती है। और कैंपस क्या है, काफ़ी बड़ा है और बाहर से काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो हर किसी व्यक्ति को हम प्रेशर नहीं कर सकते हैं। महिला का पति भर्ती है? महिला का पति भर्ती। ग्वालियर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं और उन पर पुलिस का कोई भी भय नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आए दिन अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और वह वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। ग्वालियर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं और उन पर पुलिस का कोई भय भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आए दिन अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवक अवैध कट्टे खुले में फायर कर रहा है। युवक जिले के ठाटीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी सूति सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न तहसीलों पर जाकर उनके अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों एवं मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी सूति सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा जनपद की विभिन्न तहसीलों पर जाकर उनके अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों एवं मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
जिसमें जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान एवं केंद्र एवं मतगणना केंद्रों से संबंधित ही अधिकारियों को मतदान को साकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु मतदान केंद्र एवं मतगणना केंद्रों की सुरक्षा, सुव्यवस्था, रखरखाव एवं साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस की मुठभेड़ में 15 साल के हत्या और लूट मामले में फरार 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर घायल अपराधी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की मुठभेड़ में 15 साल के हत्या और लूट मामले में फरार 25,000 का इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर घायल अपराधी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की मुठभेड़ के बाद इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रशांत कुमार, SP क्राइम ज्ञानेन्द्र सिंह, CO राजीव प्रताप सिंह समेत दर्जनों पुलिस अफसर अस्पताल पहुँचे। देखिए, ये जो बदमाश है गोपाल नाम का है और ये गांव जो है इसका जलालपुर है, इकदिल थाना क्षेत्र का। ये सन 2006 से हत्या के मामले में वांछित है, साथ ही इसके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ था। अब तक ये लगातार 15 साल से फरार चल रहा था। इसके लिए लगातार टीमें लगी रहीं, इस पर इनाम भी हुआ। 2015 में इस पर 5,000 का इनाम हुआ था और अभी रिसेंटली मैं आने के बाद जब देखा, जो कि अभियान चल रहा है, सामने चुनाव भी है, उसको देखते हुए इसे 25,000 का इनाम किया। आज ये बस से उतरा है, बस से उतरने के बाद जब इसने अपने गांव की तरफ जाने का कर रहा था, सूचना मिली, इंस्पेक्टर इकदिल और हमारी टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम हमारी, सर्विलांस टीम, ये लोग लगे हुए थे। इनको जानकारी मिला, इसने छूटते ही फायर कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखा, जैसा कि पुलिस की गाड़ी पर फायर लगने के बाद मुठभेड़ हुई और उस आत्मरक्षा जब इन्होंने फायर किया, इसके पैर में गोली लगी है और तुरंत अस्पताल भेजा गया, इसका इलाज चल रहा है। और अभी जो उससे पूछताछ में जानकारी मिली है, ये ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। इसने एक अपने भाई के नाम से ID बनवा रखी थी, जिसके आधार पर ये ड्राइविंग कर रहा था, डबल डेकर बस या जो भी गाड़ियां चला रहा था। ये जो बातें आई हैं अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो 420 भी इस पर एक अभियोग पंजीकृत हो, मुठभेड़ का होगा। साथ ही तमंचा इससे बरामद हुआ है जो मौके पे है, और इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। ये पहचान छुपा करके कहाँ पर रह रहा था और किस इलाके में गाड़ी चला करके अपना जीवन यापन कर रहा था? देखिए, जो ये पहचान छुपा के रह रहा था, लगातार बिहार, दिल्ली, अन्य जगह से बसेस चला रहा था, तो इत्तला मिली कि ये बस चला रहा है। लेकिन अभी चूंकि प्रधानी का इलेक्शन भी सामने है, ये गांव में आएगा, इस सूचना पे लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। आज सूचना मिली कि ये बस द्वारा आएगा, इस सूचना पे ये लोग लगे रहे लगातार। जैसे ही बस से उतरा, इसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसने तुरंत छूटते ही फायर किया। जो हमारे इंस्पेक्टर इकदिल की गाड़ी पे फायरिंग जब किया, तो उससे गोली के निशान भी दिखे। वो बचाते हुए अपने को आत्मरक्षा, उन्होंने गोली चलाई, जिसमें इसके पाँव में गोली लगी है और दौर अभी इसका इलाज चल रहा है। थैंक यू। होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।